सारे देशवासियों को और बक्सर वासियों को दशहरा की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं डॉक्टर श्रुति माँ शारदा संजीवनी अस्पताल की ओर से आप सभी को ढेर सारी खुशियों के साथ दीपावली और दशहरे की शुभकामनाएं। त्यौहार तभी अच्छा मनेगा जब आप लोग अपनी चिंता करते हुए अपने सेहत का, अपनी आँखों का, अपने शरीर का ध्यान देंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। तो जब भी कीड़ा जाए या कोई ऐसी दिक्कत आती है तो सबसे पहले ताज़े पानी से आँखों को धोना है। काफ़ी हद तक धोते रहेंगे तो अपने आप ही जो भी कीड़ा होगा वो बाहर निकल जाएगा। और फिर भी अगर आपको इरिटेशन हो रही है, परेशानी, जलन चुभन जैसा हो रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से कोई घाव हो गया हो या कुछ बहुत अंदर कीड़ा घुस गया हो, कोई चीज़ घुस गई हो, तो आप तुरंत ही डॉक्टर को संपर्क करें। बिना दिखाए, बिना जाँच कराए कोई भी दवा आँख में ना डालें। सबसे पहला काम तो आँखों को पानी से धोएं, और उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत लग रही है तो तुरंत अस्पताल आएँ, उसमें आप देरी ना करें। अच्छा, एक और सवाल है। आज के समय में मोबाइल का यूज़ बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, और बहुत लोगों के आँखों में समस्या आ जाती है, उनको कम दिखाई देना या धुंधला दिखाई देने लगता है, ऐसे लोग क्या करें? देखिए, मोबाइल देखने में जो धुंधलापन आता है उसके दो कारण होते हैं। एक तो हो सकता है आपकी रोशनी कमज़ोर हो रही हो, तो उसको सही करने के लिए हम लोग चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। तो आप आएंगे, हम चश्मा टेस्ट करेंगे, अगर कोई पावर आ रही है तो वो करेक्शन करते हैं। सेकेंडली, मोबाइल ज़्यादा देखने से ड्राइनेस होने लगती है, तो ड्राइनेस एक बहुत बड़ा कॉज है। हो सकता है आपकी आँखें सही हैं पर फिर भी वो जो भारीपन रहना, गड़न चुभन होना, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये ड्राइनेस की वजह से रहती हैं। तो इनको प्रिकॉशनरी हमको ट्रीट करने के लिए क्या करना है, हर 20 मिनट बाद अपनी आँखों को रेस्ट देना है। कम से कम 5-6 मिनट का आपको रेस्ट देना है। फ्रीक्वेंटली अपनी आई वॉश करते रहना है, और कोई ना कोई ल्यूब्रिकेंट डालना है जिससे हमारी आँखों में नमी बनी रहे। नमी बनी रहेगी तो ये दिक्कतें काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। बगैर हेलमेट और चश्मे के बाइक चलाना कितना खतरनाक हो सकता है आँखों के लिए? हाँ, ये क्वेश्चन आँखों के लिए क्यों, पूरे शरीर के लिए नुकसानदायक है। पर हाँ, ये है कि अगर आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जाने के चांस रहते हैं। कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं कि कोई कीड़ा आया और आँखों में टकरा गया, तो इससे क्या होता है कि आप बैठे बिठाए रोगों को बुला रहे हैं। वो घाव क्रिएट करते, स्पीड से आता है आपके अगेंस्ट तो वो घाव क्रिएट करता है। इससे क्या होगा कि अल्सर वगैरह बनते हैं, और कभी कभी वो पुतली बिल्कुल पुतली के सामने ही आ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो धब्बा छोड़ जाता है। जब वो हील होता है तो स्कारिंग हो जाती है, तो आपको परमानेंटली फिर थोड़ा सा ब्लर्ड विजन रहता है। इसलिए हमेशा हेलमेट का यूज़ करें, गॉगल्स का यूज़ करें, धुएँ में अपने आँखों को बचाएं। स्पेशली अब ये दिवाली आ रही है, बच्चे पटाखे चलाते हैं, मतलब पटाखा वो जल नहीं पाता, लोगों को लगता है जल गया और आप पास जाते हो पूरा आँख में ही। इसलिए हमेशा दूर हाथ करके ही चलाएं, ढीले कपड़े ना पहने, हमेशा फिटिंग के कपड़े पहन के चलाएं, है ना, कॉटन क्लॉथ्स पहन। इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। बच्चों की आँख में रोशनी, पटाखों से गई हुई रोशनी कभी वापस नहीं आती, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। पटाखे बहुत सुरक्षित तरीके से चलाने हैं, बड़ों की गाइडेंस में ही चलाने हैं, और थोड़ा सा हाथ दूर रख के चलाने हैं। अगर वो पटाखा मिस हो रहा है तो भी बहुत ध्यान से जाके उसके पास जाना है। ऐसा नहीं है कि आप पास में जाके देख रहे हैं और वो एक्सप्लोड करेगा तो वो दिक्कत है। मौसम में चेंजिंग होने की वजह से एलर्जी की मात्रा जो है शरीर में बढ़ रही है, ऐसे में लोगों के आँखों से पानी भी गिर रहा है, तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए लोगों को? देखिए, हाँ, ये सीजनल एलर्जिक चेंजेस बहुत से लोगों को होता है। और क्या होता है कि थोड़ा सा जब तक वो स्टार्टिंग रहती है, पानी आ रहा है, खुजली हो रही है, तो वो लोग बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद वो इतना एग्रवेट हो जाता है कि रेडनेस, उसके बाद उसमें अल्सर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, कीचड़ आने लगता है, सूजन आ जाती है, चिपक जाता है। तो ऐसी स्थिति तक आँख को लेके ना जाए। आपको जब शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा है कि हमको आँखों में खुजली हो रही है, पहले तो सब सारी चीज़ों का समाधान है ताजी पानी से मुँह धोएं। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत रहती है तो कृपया करके अस्पताल आने का कष्ट जरूर करें, अपने मन से मेडिकल स्टोर से दवा ना लें। आपका मैम सेवा पाने के लिए लोग कैसे और कहाँ से आएंगे यहाँ पर? देखिए, ऐसे तो मैं जस्ट डायल पे भी हूँ, है ना, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। और नहीं तो हमारे यहाँ हनुमान नगर में माँ शारदा संजीवनी हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेरी सुविधाएँ सातों दिन रहती हैं, और मैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक हर दिन उपलब्ध रहती हूँ। आपके अस्पताल में आँखों के ट्रांसप्लांट के भी व्यवस्थाएँ हैं क्या? OT की व्यवस्था चल रही है, काम चल रहा है, 1 महीने में पूरा हो जाएगा, और हम उसके बाद OT और कोशिश करेंगे आयुष्मान की कार्ड की भी व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध करें।